Hi everyone, in Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 10, part 3. So let's begin. See, the lecture is coming after a very long gap. So we already covered part 1 and part 2 for topic 10. And this is part 3, which will cover mostly the remaining sections, that is your human physique, somatotype and the methodologies of growth studies. So, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन फिजिक एंड सोमैटोटाइप को पढ़ेंगे. सो देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशन दैट इज बीइंग गिवन अंडर दिस सोमैटोटाइप्स. सो जिसके अंदर जो मेजर क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे एंड देयर विल बी सर्टेन वैल्यू एडिशंस रिलेटेड टू इट. देन हम मेथडोलॉजीज फॉर ग्रोथ स्टडीज देखेंगे जिसके अंदर तीन मेजर स्टडी मेथड्स को हम जानेंगे और उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. पहले हम ह्यूमन फिजिक और सोमैटोटाइप के डिफरेंस को और यू कैन से रिलेशनशिप को समझ लेते हैं. तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ वेरियस बॉलीवुड एक्टर्स इन द डिफरेंट मूवीज. यू कैन से इन्होंने अलग अलग मूवीज के लिए अपनी बॉडी को अलग अलग तरीके से ट्रेन किया है, राइट? एंड बेस्ड अपॉन द ट्रेनिंग दैट दे हैव गॉट, दे हैव एक्वायर्ड डिफरेंट फॉर्म्स, बॉडी फॉर्म्स. सो दैट इज कॉल्ड द फिजिक. जब आप किसी भी ह्यूमन बॉडी फॉर्म की बात करते हैं, सो यू आर इन जनरल रेफरिंग टू द ह्यूमन फिजिक, राइट? देन अब ये सोमैटोटाइप क्या होता है? ऑल्दो देयर आर लाइक प्रॉपर डेफिनेशंस दैट यू कैन सी, बट फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम टेलिंग यू कि सोमैटोटाइप एक वर्ड है और एक क्लासिफिकेशन है बेसिकली, जो कि शेल्डन ने दी थी. हु आर शेल्डन, वॉट काइंड ऑफ एन क्लासिफिकेशन, ऑन वॉट बेसिस सच क्लासिफिकेशंस वर गिवन, ये हम लेक्चर के आगे पार्ट्स में पढ़ेंगे डिटेल में. बट हियर एज ऑफ नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सोमैटोटाइप में बेसिकली अगर हम बात करें शेल्डन की, तो उन्होंने तीन क्लासिफिकेशंस दिए थे. वन वॉज योर एक्टोमॉर्फ, सेकेंड वॉज योर मेजोमॉर्फ, देन वॉर एंडोमॉर्फ. अब ये जो अलग अलग क्लासिफिकेशंस थे, ये आप बॉडी टाइप को देख के इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. अब आप पूछोगे लाइक वाई दिस क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी, बिकॉज एज यू कैन से कि जो अप्रोचेज है फॉर द ट्रेनिंग एंड फॉर द अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, वन साइज फिट ऑल अप्रोच लागू नहीं होता है. तो सपोज लाइक दिस इज अ बॉडी फॉर्म जो कि अगर आप शेल्डन के लैंग्वेज में बोले तो बिलोंग्स टू द एंडोमॉर्फ. अब ये जो एंडोमॉर्फ बॉडी है, अगर इसको ट्रेनिंग चाहिए, द बॉडी वॉन्ट्स टू गेट फिट, तो दे रिक्वायर सर्टन डिफरेंट काइंड ऑफ एन ट्रेनिंग. सिमिलरली दिस काइंड ऑफ एन बॉडी मॉर्फ कैन बी रेफर्ड टू एज द मेजो वन, ठीक है? अब ये जो मेजो वाले हैं, इनको अलग टाइप की ट्रेनिंग चाहिए होती है, और अलग अलग जो भी बॉडी फॉर्म्स हैं यहाँ पे, इनको अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये जब बॉडी फॉर्म्स को आप क्लासिफाई कर लेते हो, उस अकॉर्डिंग आप उनके लिए एक प्लान तैयार कर सकते हो, दैट विल गिव देम द मैक्सिमम बेनिफिट्स. और मोस्टली ये एक्टर्स को ट्रेनिंग में काम आता है. जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए इस टाइप की क्लासिफिकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. आपके और मेरे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है व्हेन यू आर प्लानिंग टू गेट फिटर. कभी आप जिम में जाएंगे तो जनरली दे हैव सर्टन काइंड ऑफ एन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन टू गिव यू लाइक पर्सनलाइज्ड प्लान्स, राइट? तो ये हो गए आपके सोमैटोटाइप एंड ह्यूमन फिजिक. ऑलराइट, तो आई होप आपको ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो समझ में आ गया होगा. देन हियर इज द डेफिनेशन, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन यू नीड टू राइट इट डाउन. सो आई एम नॉट लाइक रिपीटिंग इट वंस अगेन. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन, राइट? वहीं सोमैटोटाइप है. अब सोमैटोटाइप और ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स हैं, इनकी भी क्लासिफिकेशंस की गई हैं बाय वेरियस फिजिशियंस. और इनमें से जो कुछ क्लासिफिकेशंस है, एज यू कैन सी, इज वन वाज गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स. इन्होंने दो फिजिकल टाइप्स के बारे में बात की थी, दैट इज योर हैबिटस पिथिकस एंड द हैबिटस अपोलो पिथिकस, ठीक है? उसी तरह से वॉयला, इन्होंने अलग तीन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस दिए थे, मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स बताए थे. देन वेरियस अदर साइंटिस्ट और फिजिशियंस, यू कैन से, इन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशंस किए थे. और ये जो है शेल्डन जिनकी मैं बात कर रही थी, एज यू कैन सी एंडो, मेजो एंड एक्टो, और पैरनल मेथड ऑफ सोमैटोटाइपिंग, हेल्थ एंड कार्टर मेथड ऑफ सोमैटोटाइपिंग. सो इफ यू कैन रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, आप उसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर सोमैटोटाइपिक मेथड के बारे में आपको डायरेक्टली यूपीएससी में सवाल पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में. So that is why I have tried to include all the possible classifications out here
ताकि अगर एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल आपको पैरनल्स मेथड ऑफ सोमैटोटाइपिंग पूछ दिया जाता है तो यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन. वहीं अगर आपको हीथ एंड कैटर मेथड के बारे में पूछ दिया जाता है तो यू कुड राइट इट डाउन. एंड शेल्डन दो एज आई टोल्ड यू इज लाइक द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, तो इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए. और उसी तरह से जितने भी है बाकी वो हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में कवर कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द हिप्पोक्रेट्स फिजिकल टाइप्स. तो इन्होंने एज यू कैन सी ये दो क्लासिफिकेशंस दिए थे और इन क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे इन्होंने बताया था कि कौन सी बॉडी टाइप किस टाइप के डिजीज के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो सकती है. तो इन्होंने बताया जो हैबिटस पिथिकस होते हैं, इस टाइप की जो बॉडी होती है ये काफ़ी थिन होती है, लीन होती है, विथ लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज, एंड दीज इंडिविजुअल हैज अ ग्रेट ससेप्टेबिलिटी टू द ट्यूबरकुलोसिस. वहीं आपके जो दूसरी क्लासिफिकेशन थी, इस टाइप के लोग शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं और इनकी बॉडी काफ़ी मैसिव होती है एंड दे आर वेरी मच प्रोन टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. तो इफ़ यू कैन रिलेट, आज भी हम देखेंगे ज़्यादातर जो थोड़े मोटे लोग होते हैं, जो काफ़ी चबी होते हैं, उनमें अक्सर आप लोगों को जनरली भी बोलते हुए सुनेंगे कि दिल का जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है उनका खतरा उनमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा. सो ये वाली सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन समवेयर और दी एल्स रिलेट टू इट. इवन तो आप साइंटिफिकली बात ना कर रहे हो बट इन जनरल वी ऑल नो दैट, राइट. सो दिस वॉज अबाउट द हिप्पोक्रेट्स. इनके बारे में बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में अंदर जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन इज योर द वोयलास क्लासिफिकेशन. इट वॉज गिवन बाई द इटालियन फिजिशियन वोयला. कब दिया था इन्होंने? 1921 में. सो वॉट दिस क्लासिफिकेशन बेसिकली टॉक्स अबाउट. तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने अलग अलग इंडेक्सेज निकाले थे और ये इंडेक्सेज किसके थे? ये इंडेक्सेज ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेट किए थे, लाइक थोरासिस, अपर एक्सट्रीमिटीज, एब्डोमिनल, उनके लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, इन सारी चीज़ों को इन्होंने कैलकुलेट किया था और उसके बेसिस पे ही गेव अ सर्टन क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉडी फॉर्म्स. अब ये कौन कौन से इंडेक्सेस थे? ऑल्दो द इंडेक्सेस आर मेंशनड आउट हियर, बट ऑल्दो आपको इन इंडेक्सेस को एग्जामिनेशन में लिखने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है कि किस बेसिस पे ये, यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन कि बॉडी के अलग अलग इंडेक्सेस उन्होंने निकाले थे, पर ये जो फॉर्मूलाज है ये अगर आप याद ना भी रख पाएँ देन इट्स कम्प्लीटली ओके, राइट. तो इन इसके बेसिस पे इन्होंने थोरासिस इंडेक्स निकाले थे, अपर एब्डोमिनल इंडेक्स निकाले थे, देन उसी तरह से टोटल एब्डोमिनल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रंक वैल्यू, लिम वैल्यू, तो इन अलग अलग वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया था. आई एम नॉट गोइंग इनटू इट बिकॉज ये हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है. और इसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन करी. और आपकी सहूलियत के लिए, फॉर दोज पीपल हु आर नॉट बी एबल टू विजुअलाइज कि थोरासिस क्या होता है, एब्डोमिनल कितने से कितने पोर्शन को आप बोलेंगे, ट्रंक का पोर्शन क्या कहलाता है, आई हैव इंक्लूडेड दीज डायग्राम्स. अब यहाँ पे देखेंगे थोरासिस इज बेसिकली जो ये आपका ये वाला देख रहे हैं पोर्शन, दैट इज दी थोरासिस, ठीक है. और अगर आप ह्यूमन बॉडी को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करना चाहें तो क्रेनियल कैविटी होती है. क्रेनियल कैविटी के बारे में हमने जब आपके प्रिमेट्स के बारे में पढ़ा है हमने वहाँ पे क्रेनियल को काफ़ी बार रेफर किया था. देन स्पाइनल कैविटी आप देख सकते हैं, ये वाली स्पाइनल कैविटी होती है पूरी की पूरी. देन योर थोरेसिस कैविटी आपके कुछ इस पोर्शन को आप कहते हो. देन एब्डोमिनल कैविटी आपकी ये वाली हो जाती है, ठीक है. इसी तरह से अलग अलग कैविटीज़ डिफाइन की गई हैं और वही सारी चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने यूटिलाइज किया था. देन इसके बेसिस पे उन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन दिए? लॉन्जी टाइप, ब्राची टाइप, नॉर्मो टाइप एंड मिक्स्ड टाइप, राइट. अब ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस में लॉन्जी टाइप क्या होते हैं, ब्राची टाइप क्या होते हैं, नॉर्मो टाइप क्या होते हैं और मिक्स टाइप क्या होते हैं, वो एक एक कर देख लेते हैं. आपके जब लॉन्जी टाइप फिजिक की आप बात करते हैं तो इसके अंदर जो लिम्स है उसकी जो लंबाई होती है दैट इज रिलेटिवली लॉन्गर देन द ट्रंक्स वॉल्यूम. अगर आप ये वाला पिक्चर, इट्स नॉट फॉर द रेफरेंस ऑफ द लॉन्जी टाइप फिजिक, बट यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ जो अलग अलग यहाँ पे चीज़ें मेंशन हैं, जैसे कि जो थॉरेक्स है वो आपके एब्डोमेन के कंपैरिजन में थोड़ा सा लार्ज होता है. वहीं जो आपका ट्रांसवर्स डायमीटर है वो भी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से लार्ज होता है. अब आप बोलेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या है, ट्रांसवर्स डायमीटर क्या है, उसके लिए आई हैव इंक्लूडेड दीज डायग्राम. सो बेसिकली इफ यू कैन सी, ये अगर आप व्यू देखेंगे कुछ ऊपर से ह्यूमन बॉडी का, दिस इज़ दी ह्यूमन बॉडी. अगर आप यहाँ से इस जगह से अगर आप व्यू कर रहे हैं तो यू कैन सी दी चेस्ट पोर्शन लाइक दिस. अब इस चेस्ट पोर्शन में जो ये वाला आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, दिस इज़ दी ट्रांसवर्स डायमीटर. और यहाँ से यहाँ तक का जो है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से लेके आपका जो ये वाला एंड पोर्शन है, दैट इज़ बेसिकली योर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर.
तो अब लॉन्गी टाइप के अंदर क्या होगा, लॉन्गी टाइप के अंदर जो आपका ट्रांसवर्स डायमीटर है यानी कि ये जो डॉटेड वाला है, दिस ट्रांसवर्स डायमीटर विल बी लार्जर देन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर. इसको आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली करके भी याद रख सकते हैं, बट द नेम यू आर गोइंग टू मेंशन इन द एग्जामिनेशन विल बी एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स, राइट. तो आप देखेंगे ट्रांसवर्स ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि ये जो लॉन्जी टाइप है ये आपको बहुत ज़्यादा फैटी नहीं दिखेंगे इन जनरल, क्योंकि अगर आप कंपेयर करके यहाँ पे देखिए तो इस केस में अगर आपको दिखेगा कि यहाँ जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो आपके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के ऑलमोस्ट या तो बराबर है या तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो ये वाला जो केस है, ये वाला केस आपके लॉन्जी टाइप में फिट नहीं बैठता है. यानी कि लॉन्जी टाइप वाले लोग आप कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, ऑल्दो आई एम टेलिंग यू अगेन ये लॉन्जी टाइप फिजिक का एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसवर्स डायमीटर एंड द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, राइट. उसी तरह से जो आपकी थॉरेक्स है वो आपके एब्डोमेन से लार्ज होती है, हमने यहाँ पे थॉरेक्स ऑलरेडी देख लिया है कि थॉरेक्स कैविटी कहाँ होती है, तो ये वाली जो आपकी थॉरेक्स कैविटी है ये आपकी एब्डोमेन कैविटी से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी इन केस ऑफ लॉन्जी टाइप, राइट. तो दिस इज क्लियर. और ये पहला वाला पॉइंट तो अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है. आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके जो लिम्स हैं दे आर रिलेटिवली लार्जर देन देयर ट्रंक्स वॉल्यूम, मतलब आप देख के उनको पता लगा सकते हो. दिस इज अबाउट दी लॉन्जी टाइप. अगर आप इसको इस तरह से याद रखने की कोशिश करेंगे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देन द ब्राची टाइप. ब्राची टाइप फिजिक के अंदर क्या होता है, तो ये ब्राची टाइप है, ये थोड़े से मैसिव आपको देखने में लगे, रोबस्ट आपको बॉडी इनकी देखने को मिलेगी, एंड दे आर काइंड ऑफ एन रिवर्स ऑफ द लॉन्जी टाइप. यानी कि लॉन्जी टाइप के रिवर्स है, और लॉन्जी टाइप के रिवर्स होंगे तो दो पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद हो गए. अब ये लार्ज थॉरेक्स रिलेटिव टू एब्डोमेन को शॉर्ट थॉरेक्स रिलेटिव टू एब्डोमेन कर दो, लार्ज ट्रांसवर्स डायमीटर रिलेटिव टू एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को शॉर्ट ट्रांसवर्स डायमीटर रिलेटिव टू एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कर दो, तो इस तरह से आपको ब्राची टाइप का याद हो जाएगा. यानी कि ये ब्राची टाइप में क्या बोल रहे हैं कि आपका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो छोटा है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से, यानी कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट. उसी तरह से जो आपके थॉरेक्स है वो भी आपके एब्डोमेन से छोटे हैं, और दूसरी तरफ दे हैव शॉर्ट लिम्स रिलेटिव टू द ट्रंक, और ट्रंक वाला पोर्शन आई मिस्ड आउट इंक्लूडिंग आउट देयर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द इंटायर ट्रंक पोर्शन, जो आप अपर बॉडी पार्ट्स को बोलते हो दैट इज द ट्रंक, राइट. तो इसके केस में जो ब्राची टाइप होते हैं इनके केस में आपको लिम्स थोड़े से शॉर्टर देखने को मिलेंगे, राइट. तो ये तीन पॉइंट आपको याद रहेंगे, लॉन्जी टाइप और ब्राची टाइप याद हो गया. तो बचा अब नॉर्मी टाइप. तो नॉर्मी टाइप इज मोस्टली नॉर्मल प्रपोर्शनल्स. तो इनके केस में क्या होता है कि नॉर्मल प्रपोर्शन आपको देखने को मिलेगा लिम्स और ट्रंक के बीच में, थोरैक्स वर्सेज एबडोमिन का भी जो नॉर्मल प्रपोर्शन होता है, देन ट्रांसवर्स वर्सेज एंटीरियर पोस्टीरियर विड्थ भी आपको नॉर्मली ही देखने को मिलेगा. एंड हियर बाय नॉर्मल आई मीन टू से नॉट इंक्लूडिंग एनी स्पेसिफिक नंबर्स आउट हियर, बिकॉज अगेन वो आपको उतने ज़्यादा अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. सिंपली इफ यू नो नॉर्मल दैट वुड बी ओके. देन मिक्स टाइप फिजिक किसको कहते हैं, तो मिक्स टाइप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ब्राची टाइप के देखने को मिलेंगे, कुछ लॉन्जी टाइप के देखने को मिलेंगे, और थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें नॉर्मल वाली ही होंगी. तो दैट विल बी रेफर टू एज द मिक्सड टाइप फिजिक, और इसको साइंटिफिक टर्म्स में डिस्प्लेसिया भी कहते हैं, राइट. तो आई होप आपको ये वाले जो चीज़ें हैं वोयला की क्लासिफिकेशन की, इन चारों के बारे में इजिली अब तक याद हो गया होगा. सो दैट इज द पर्पस, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ द क्रेस्टमर क्लासिफिकेशन. सो क्रेस्टमर क्लासिफिकेशन वॉज गिवन इन 1925 एंड ही वॉज अ जर्मन फिजिशियन. हमने पहले देखा था ही वॉज एन इटालियन फिजिशियन. नाउ द क्रेस्टमर एर्नेस्ट क्रेस्टमर, अगर आप पूरा नाम लिखना चाहें तो ERNST एर्नेस्ट क्रेस्टमर, ही वॉज अ जर्मन साइकैट्रिस्ट. सो अब ही वॉज अ जर्मन साइकैट्रिस्ट, सो वट ही इज डूइंग इन द ह्यूमन फिजिक. सो बेसिकली क्रेस्टमर ने ये जो क्लासिफिकेशन निकाली थी, द पर्पस वॉज टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी टाइप, कि कैसे अलग अलग बॉडी टाइप में आपको अलग अलग पर्सनैलिटीज देखने को मिलती है. इफ़ यू कैन जस्ट इमेजिन, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल, जब आप जॉनी लीवर की बात करते हैं तो उनकी जो बॉडी फिजिक है आपको उसको देख के किसी कॉमेडियन या कुछ उस टाइप के, मतलब आप बहुत सीरियसनेस उसमें इमेजिन नहीं कर पाते हो, राइट. वहीं अगर आप ऋतिक रोशन को इमेजिन करोगे तो यू विल कंसीडर समवन विद अ वेरी गुड बॉडी टाइप, नॉट सो कॉमेडियन एंड सो, आपकी एक अलग इमेज बनती है. जनरली ही इज ऑल्सो रेफर टू एज ग्रीक गॉड, तो दोज आर ऑल रेफरेंसेज ओनली, राइट. बिकॉज आप ग्रीक गॉड को कुछ पावर और इन सारी चीज़ों से रिलेट करते हो, एंड जस्ट बिकॉज ऋतिक रोशन हैज सच अ काइंड ऑफ एन बॉडी, यू रिलेट हिम टू द ग्रीक गॉड इटसेल्फ. सो दैट इज हाउ वी परसीव द बॉडी पर्सन बॉडी फॉर्म्स विद द पर्सनैलिटी. सो इसीलिए क्रेस्टमर ने ये जो क्लासिफिकेशन की थी वो पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए की थी, लेकिन इस बेसिस पे भी अलग अलग बॉडी फॉर्म्स थे दैट वी आर स्टडिंग आउट हेयर.
बट वो अगर आप फिलोसफी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आप ये सारी चीज़ों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कैसे ह्यूमन बॉडी फॉर्म को आप पर्सनालिटी टाइप से रिलेट कर सकते हो. ठीक है, तो अब ये कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस इन्होंने दी थी, तो इन्होंने तीन ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस दी थी, पिकनिक, एथलेटिक एंड लेप्टोसोम. सो पिकनिक को फैटी की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं, एथलेटिक ऑफ़ कोर्स द मस्कुलर बॉडी, एंड लेप्टोसोम काफ़ी लीन थिन इस टाइप की बॉडी स्ट्रक्चर्स. एंड ही यूज ऑल दिस मेथड वॉज बेस्ड ऑन दी एंथ्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस ऑन दी इंडिविजुअल्स. यानी कि उन्होंने अलग अलग बॉडी के चीज़ों को मेजर किया था, एंथ्रोपोमेट्री की यूज़ करी थी, एंड इस बेसिस पे इन्होंने ये सारी क्लासिफिकेशंस दी थी. राइट, एंड अब इसके अंदर ये जो क्लासिफिकेशंस थे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको लिखने के लिए पूछा जाए एग्जाम में, देन व्हाट यू शुड राइट. एक तो पिकनिक हमने पहले ही देख लिया, ये एसोसिएटेड है विथ व्हाट, दिस इज एसोसिएटेड विथ फैटी. आप अगर इतना याद रखेंगे तो चीज़ें आप आगे मेंशन कर सकते हैं. तो अगर पिकनिक फैटी से एसोसिएटेड है तो ये थिक एंड शॉर्ट, मेनली द मैसिवनेस ऑफ द बॉडी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप, एंड द पीपल ऑफ दिस टाइप पजेस अ हेड विच इज लार्ज एंड हैवी. Thorax and abdomen are massive or more developed with respect to the extremity. So this is one of the example of the picnic body form. That is how you can relate to it. Athletic की जब बात करें तो ये muscular body form होता है, हमने देखा. तो इसमें आपको strong और heavily muscled bodies देखने को मिलेंगे. इनमें fat काफ़ी कम होगा but have considerable amount of muscles. यानी कि फैट कम होगा, मसल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. यू कैन इमेजिन एनी ऑफ द क्रिकेटर्स, यू कैन इमेजिन एनी ऑफ द गुड फिट एंड फाइन बॉलीवुड स्टार्स, तो आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनसे मेल खाती हुई दिखेगी. देन द थर्ड वन इज द लेप्टोसोम. लेप्टोसोम को एस्थेनिक भी कहते हैं. तो इसमें आपको लॉन्ग थिन और लीनियर बॉडी देखने को मिलेगी, लाइक दिस पर्सन. ठीक है, दिस पर्सन इज द लॉन्ग थिन एंड लीनियर. इफ यू रिमेंबर देर वॉज अ मूवी, आई कॉन्ट रिमेंबर द नेम, सो इन दैट मूवी देर वॉज person who was very famous because of the kawa biryani, right? So us movie mein, I guess run movie ka naam tha. To us movie mein agar aap us person ko imagine karenge to he can be somewhat the asthenic leptosome jisko aap bol sakte hai. So that is very long, thin and linear, and the body lack not only fat but also muscles. Yani ki inke body mein na to fat dekhne ko milega na the aapko muscles hi acche se dekhne ko milenge, and these people seems to lack body strength and thus can be considered as fragile. As you can see this person, because आप वो एग्जाम्पल तो नहीं मैंशन कर सकते. तो दिस इज अबाउट द क्रेशमर. तो क्रेशमर का आपको लिखने को पूछा जाए तो आप ये तीन क्लासिफिकेशन मैंशन कर देंगे, एंड क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई थी, एंथ्रोपोमेट्री के बेसिस पे की गई थी, और इन क्लासिफिकेशन के जो तीनों टाइप्स थे उनकी अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंशन करनी हो तो आप ये सारी चीज़ें मैंशन कर सकते हैं. एट दी एंड अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चनर क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ लिया जाए तो यू नीड टू कंक्लूड विद द क्रिटिसिजम्स एज वेल एज एक प्रॉपर कंक्लूजन तो आप देंगे ही देंगे, राइट. सो क्रिटिसिज्म की अगर बात करें अबाउट दिस क्लासिफिकेशन, तो लाइक विद द अदर स्टडीज इट बिकम काइंड ऑफ एन वेरी डिस्क्रीट आफ्टर 1930s, क्योंकि उसके बाद भी और अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन आने लगे और दैट काइंड ऑफ एन रिप्लेस्ड दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. ऑल्सो इसके अंदर कुछ एक्सट्रीम टाइप्स की बात की गई है. इफ़ यू कुड जस्ट इमेजिन, अगर आप इंडिया की बात करें, 1.3 billion पॉपुलेशन को यू हैव टू कैटेगराइज इन 1, 2 and 3, दैट्स नॉट पॉसिबल. देर कुड बी वेरियस अदर थिंग्स जो इन दोनों के बीच में होगा इस तरीके से, और इनके बीच में होने के साथ हो सकता है समवन इज एट दिस एक्सट्रीम, समवन इज एट दिस एक्सट्रीम. दे कैन बी वेरियस अदर कॉम्बिनेशन, राइट. बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अलग अलग चीज़ों के. So to categorize in these three extreme type would be very unfair kind of, right. Then ek aur jo criticism tha was related to the kind of an measurement or the classification or jo bhi estimate or indices liye gaye the us basis ko bhi kafi alag alag physicians ne kafi sahi nahi mana, right. और इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया था इसके अंदर एज, सेक्स या सोशल स्टेटस या कुछ इसी टाइप की चीज़ों की कंसीडर नहीं किया गया था. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन. तो दीज आर लाइक फ्यू पॉइंट्स दैट यू कैन रिमेंबर एंड राइट इट डाउन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द शेल्डन मेथड ऑफ सोमैटोटाइपिंग दैट वाज गिवन बाय शेल्डन इन 1940s. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो ये शेल्डन कौन थे. जैसे हमने देखा देयर वाज सम जर्मन साइंटिस्ट, देयर वाज सम
इटालियन फिजिशियन इस तरीके से. तो शेल्डन कौन थे? तो शेल्डन वॉज बेसिकली एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन एंड हिज इंटायर नेम वॉज फुल नेम वॉज विलियम हर्बर्ट शेल्डन, राइट. और इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन दी थी ऑफ द सोमैटोटाइपिंग ये किस किताब में दी थी? द नेम ऑफ द बुक वॉज द वराइटीज ऑफ ह्यूमन फिजिक. तो दिस इज सम लाइक इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो, राइट. बिकॉज एग्जामिनेशन में आप लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप यही सारी चीज़ों को मैंशन करेंगे. देन इन्होंने जो क्लासिफिकेशंस किए थे उसके बेसिस पे ही गेव अस दीज थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस और दी सोमैटोटाइप दैट वी से. वन वॉज योर इंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी. अब ये क्लासिफिकेशंस के क्या क्या अलग अलग फीचर्स थे, ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर की गई थी, विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ दैट, राइट. देन अगर आप यहाँ पे देखें, हमने जो तीन क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखी है जो इन्होंने दिया है, इंडो, मेजो एंड एक्टो, तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दीज थ्री पिक्चर्स. अगर आप एंडोमॉर्फ्स की बात करें तो आप इनको एक रेक्टेंगल के हेल्प से याद रख सकते हैं और एक स्क्वायर के शेप से याद रख सकते हैं, ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट द मेजोमॉर्फ दे आर समवॉट लाइक द ट्रायंगल, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्टोमॉर्फ तो इनको आप एक रेक्टेंगुलर के तौर पे याद रख सकते हैं. दिस इज द स्क्वायर, दिस इज द ट्रायंगल एंड दिस इज द रेक्टेंगल. पार्डन मी फॉर द बैड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. देन हमने क्रेशमर क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें हमने एथलेटिक, पिकनिक एंड एस्थेनिक देखी थी. तो इन तीनों को आप कैसे शेल्डन के क्लासिफिकेशन के साथ लिंक कर सकते हैं, दैट यू कैन सी. मेजो इज समथिंग द एथलेटिक टाइप. मेजो यानी कि जो बीच बीच वाला है, और हमने क्रेस्टमर में भी देखा था जो बीच वाला क्लासिफिकेशन था एथलेटिक, जिसमें मस्कुलर बॉडी होती है. तो दीज आर लाइक काइंड ऑफ एन सिमिलर वन. देन पिकनिक और एंडोमॉर्फ एक तरीके के हैं, द चबी वंस, राइट, चबी एंड द फैट वन. एस्थेनिक एक्टोमॉर्फ जो है वो आपको कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के दिखेंगे. ऑल्दो बिल्कुल इनके अंदर एज इट इज सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि जो शेल्डन ने क्लासिफिकेशन दी थी उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे वेरिएशंस बताए थे, क्रेशेमर ने भी बताए थे, लेकिन आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट लाइक आई मीन टू से, राइट. अब इनके अलग अलग हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, देन विल सी कि ये किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया था. बट ओवरऑल यू नीड टू हैव एन आइडिया. अगर इंडोमॉर्फी की बात करें, इंडोमॉर्फी में जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, दैट दे हैव द प्रीडोमिनेंस ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड द सॉफ्टनेस एंड राउंडनेस ऑफ द कॉन्टोर थ्रू आउट द बॉडी. यानी कि आपको इनकी बॉडी काफ़ी राउंडेड मिलेगी. एंड इन अदर वर्ड्स, विद इंक्रीज्ड फैट स्टोरेज, अ वाइड वेस्ट एंड अ लार्ज बोन स्ट्रक्चर. दैट इज़ वाई हमने जब इनके बॉडी फ्रेम को यहाँ पे देखा था, तो इनकी बॉडी फ्रेम को आप एक स्क्वायर के शेप में देख सकते हैं. सब कुछ आपको काफ़ी वाइड प्रपोर्शंस में देखने को मिलता है. एंड दे आर रेफर्ड टू एज फैट. मोस्टली आप इनको फैट की कैटेगराइजेशन में डाल सकते हैं, बिकॉज हमने लेक्चर की शुरुआत में ही देखा था दैट हाउ द डाइटिशियंस ऑल्सो रेफर सच अ काइंड ऑफ एन बॉडी मॉस इन आइडेंटिफाइंग लाइक वॉट काइंड ऑफ एन डाइट शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू अचीव सर्टन काइंड ऑफ एन रिजल्ट, राइट. सो इफ द इंडोमॉर्फ्स आर कंसिडर्ड टू बी फैट, तो इनको जो भी डाइट प्लान दिया जाएगा, दे विल ट्राई टू एक्सक्लूड द फैट फ्रॉम इट. वहीं जो बिल्कुल लीन होंगे, थिन होंगे, उनके लिए फैट वाली डाइट को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा. सो दैट इज़ हाउ ऑल द थिंग्स आर काइंड ऑफ एन इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, राइट. देन मेजोमॉर्फी की बात करें, मेजोमॉर्फी वाले जो होते हैं ये आपके जो मिडिल वाले होते हैं, यानी कि ना ये ज़्यादा मोटे होते हैं ना ज़्यादा ये पतले होते हैं. दे आर काइंड ऑफ इन कंसीडर टू बी नियर परफेक्ट, राइट. एंड दे आर कैरेक्टराइज बाई द प्रीडोमिनेंस ऑफ द मसल्स एंड बोन. स्किन इज मेड थिक बाई हैवी कनेक्टिंग टिश्यूज एंड द फिजीक इज नॉर्मली हैवी, हार्ड एंड रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन. इन अदर वर्ड्स, विद मीडियम बोन्स एंड सॉलिड टॉर्सोज, लो फैट लेवल, वाइड शोल्डर विद नैरो वेस्ट, मेजोमॉर्फ आर रेफर्ड टू एज मस्क्यूलर, राइट. तो मेजोमॉर्फ को आप मस्क्यूलर की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं. देन वी हैव द एक्टोमॉर्फी. अब ये जो एक्टोमॉर्फी वाले होते हैं ये काफ़ी लीनियर और फ्रेजाइल बॉडी के होते हैं. हमने देखा था जो एस्थेनिक भी होते हैं वो भी काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं. द सेम गोज विथ योर एक्टोमॉर्फ ऑल्सो. एंड विथ लिमिटेड मस्क्यूलर डेवलपमेंट एंड प्री डोमिनेंस ऑफ सर्फेस एरिया और बॉडी मास, इन अदर वर्ड्स विथ लॉन्ग एंड थिन मसल्स और लिम्स और लो फैट स्टोरेज, एक्टोमॉर्फ आर रेफर्ड टू एज स्लिम. सो दीज आर द बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जब हम आगे मेजरमेंट देखेंगे उसके बाद हम इनके स्पेसिफिक जो फीचर्स है उसको रेफर कर लेंगे. बट फॉर द एक्टो, मेजो एंड एंडो आपको पता होना चाहिए कि ये बॉडीली तौर पे किस तरीके के दिखते हैं. एंड सिंस शेल्डन वाली जो क्लासिफिकेशन है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम इनके स्पेसिफिक फीचर्स भी आगे चल के देख लेंगे. नाउ द मेथड्स यूज्ड बाय शेल्डन.
दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी क्लासिफिकेशंस किए गए हैं ये किस बेसिस पे किए गए थे. और जनरली अगर आपसे शेल्डन मेथड के बारे में ही पूछा जाता है देन यू डेफिनेटली राइट डाउन अबाउट द मेथड दैट ही यूज्ड, राइट. सो इन्होंने जो स्टडी करी थी, हाउ ही डिड ऑल दो स्टडी, सो बेसिकली इन्होंने 4,000 कॉलेज मेन के ऊपर अपनी ये जो भी स्टडीज है वो करी थी. सो मार्क वन थिंग, ही स्टडीड ऑल दिस अपॉन द 4,000 कॉलेज मेन, नॉट फीमेल, नॉट किड्स, राइट. तो दिस बिकम्स वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस शेल्डन मेथड जब हम आगे चल के देखेंगे. ऑल्सो इन्होंने जो तरीका अपनाया था दैट वॉज टेकिंग द पिक्चर्स, सम स्टैंडर्डाइज पिक्चर्स ऑफ द फ्रंट साइड और द रियर व्यू. ठीक है, इन्होंने फ्रंट साइड और रियर व्यू के अलग अलग पिक्चर्स लिए ये जो 4,000 मेन्स थे और ये सारे न्यूड सब्जेक्ट्स थे. तो इनके अलग अलग पिक्चर्स लिए और इन पिक्चर्स के बेसिस में, बेसिस पर इन्होंने दो टाइप के कैलकुलेशंस किए ब्रॉडली. ठीक है, फॉर द सिंपलिसिटी सेक वी नीड टू अंडरस्टैंड. और ये दो कैलकुलेशंस क्या क्या थे, वन वॉज द रेसिप्रोकल पोंडरल इंडेक्स एंड अनदर वन द कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो ऑफ 17 ट्रांसवर्स मेजरमेंट, राइट. अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेसिप्रोकल पोंडरल इंडेक्स होता क्या है. एंड बिफोर दैट वन मोर थिंग कि इनकी जो स्टडी थी दैट वॉज मोस्टली द फोटोस्कोपिक, क्योंकि इन्होंने पिक्चर्स को स्टडी किया था, इन्होंने फोटोग्राफ्स लिए, इन्होंने उसके बेसिस पे स्टडी करी. बट ही हिमसेल्फ रेफर्ड इट टू एज एंथ्रोस्कोपिक, बट एक्चुअली में रियालिटी में इट वॉज फोटोस्कोपिक, राइट. तो दैट इज वन ऑफ द ट्रिवियल पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर. देन द रेसिप्रोकल पोंडरल इंडेक्स. अब ये रेसिप्रोकल पोंडरल इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, सो दिस इज कैलकुलेटेड बाई द हाइट डिवाइडेड बाई द क्यूब रूट ऑफ वेट. ठीक है, और इससे जो रेशियो निकलता है दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल पोंडरल इंडेक्स, राइट. और ये जो आपका स्कोर है, रेशियो स्कोर जो भी आप बोल लीजिए, ये अगर हायर साइड पे होता है सो दैट इंडिकेट द हायर लेवल ऑफ बॉडी फैट. और अगर ये लो होता है स्कोर सो दैट मीन्स कि जो बॉडी फैट है वो कम है. तो बेसिकली ये कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो. 3 इंडिविजुअल्स है, अगर आपने इन 3 इंडिविजुअल्स के रेसिप्रोकल पोंडरल इंडेक्स कैलकुलेट किए, जो स्कोरिंग आएगी इन तीनों की, उनमें से जो सबसे कम स्कोर वाला होगा दैट मीन्स कि उसका जो बॉडी फैट है वो कम होगा. जिसका हायर स्कोर होगा ऑफ द रेसिप्रोकल पोंडरल इंडेक्स दैट मीन्स जो उसका बॉडी फैट है वो ज़्यादा होगा. लाइक क्लियर है. देन 17 ट्रांसवर्स मेजरमेंट. अब ये ट्रांसवर्स मेजरमेंट क्या है, तो इन्होंने इन फोटोग्राफ्स को स्टडी करके अलग अलग रेशियोज निकाले. ये रेशियोज कैसे कैसे थे, कुछ रेशियोज इन्होंने लिए हेड एंड नेक के, 4 इन्होंने हेड एंड नेक के लिए, 3 इन्होंने थॉरेक्स और ट्रंक के लिए, 3 आर्म्स के लिए, 3 एब्डोमिनल ट्रंक के लिए एंड 4 लेग्स के लिए. अब आपको ये 4, 3 कितने कितने कहाँ कहाँ के लिए इतना याद ना भी रहे तभी भी चलेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने 17 ट्रांसवर्स मेजरमेंट्स लिए थे. ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू ब्रॉड फीचर्स इन्होंने कुछ स्केलिंग पॉइंट डिसाइड किया. अब ये स्केलिंग पॉइंट क्या था वो हम देखेंगे. सो सपोज ही स्केल्ड कि 1, 4 and 7, 4 इज द मिड वन, 1 इज द एक्सट्रीम एंड, 7 इज द अनदर एक्सट्रीम एंड. ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि अगर किसी की वैल्यू 1 आ रही है दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर एक्टो एंडो या मेजो की जो एक्सप्रेशन है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वो कम होगी. ठीक है, वहीं अगर 4 आ रही है या उसके आसपास की आ रही है दैट मीन्स वो मिड मिड की है. और अगर एग्जैक्टली 7 आ रही है या उसके आसपास की आ रही है यानी कि दैट पर्टिकुलर मॉर्फ इज डोमिनेंट इन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. डोंट वरी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम आगे एग्जाम्पल से भी देखेंगे, देन इट विल बिकम मोर क्लियर. ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि ये 7 स्केल पॉइंट था. देन इन्होंने एक और चीज़ कही कि इन 7 स्केल पॉइंट के बेसिस पर ही विल फर्दर क्लासिफाई दी सोमैटोटाइप्स. ठीक है, और इन्होंने इसी बेसिस पे 76 डिफरेंट सोमैटोटाइप्स को क्लासिफाई किया था, जिसके अंदर इन्होंने ये बोला कि हर एक सोमैटोटाइप के अंदर ये 3 पर्टिकुलर न्यूमरल्स रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस एज यू कैन सी. और ये जो 3 न्यूमरल्स होंगे इसमें जो पहला वाला न्यूमरल होगा दैट विल रिप्रेजेंट द एंडोमॉर्फी, दूसरा वाला जो होगा वो मेसोमॉर्फी को रिप्रेजेंट करेगा और तीसरा वाला जो होगा वो एक्टोमॉर्फी को रिप्रेजेंट करेगा. यानी कि अगर ये पहला वाला 3 है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एंडोमॉर्फी, यानी कि एंडोमॉर्फी का जो पर्टिकुलर ट्रेट है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वो कहाँ होगा, लीस्ट से मिड के बीच बीच का कहीं बात कर रहे हैं, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है ना बहुत ही ज़्यादा मिड में है, वो कहीं आसपास में लाइक कर रहा है.
वही मेजोमॉर्फी जो है मेजोमॉर्फी 4 में है यानी कि बिल्कुल मिड में है, उसी तरह से एक्टोमॉर्फी है वो भी मिड में है, राइट right? क्योंकि हमने देखा था ना क्रेशमर के केस में क्या था, उन्होंने बिल्कुल 3 क्लासिफिकेशंस दे दी थी, लेकिन वैसा तो होता नहीं है, हो सकता है कि कोई एक्टो या मेजो के बीच बीच में हो या एंडो का भी कुछ कॉम्पोनेंट उसके अंदर हो. सो टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स इन सोमैटोटाइप्स को शेल्डन ने अलग अलग डिफरेंट सोमैटोटाइप्स दैट इज समवेयर अराउंड 76 डिफरेंट सोमैटोटाइप्स में डिवाइड किया. ठीक है, अब हम जो हमारे एक्टो मेजो और एंडो है जो कि डोमिनेंट वन है और सॉरी दो जो कि लाइक नॉर्मल वंस है और जो काफ़ी यूज़ किए जाते हैं उनमें हम देख लेते हैं कि इस जो 7 पॉइंट एक्सप्रेशन है उसका क्या रोल रहता है. एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, इन्होंने ये भी बोला कि ये जो 3 नंबर्स आप रिप्रेजेंट करोगे इन तीनों नंबर्स की जो सम होगी दैट विल बी बिटवीन 9 to 12. ठीक है, अब ये 9 टू 12 कैसे होगा आप यहाँ पे काउंट करके देखो, दिस इज इक्वल्स टू 8 + 3, यानी कि 8 + 3 कितने हो गए आपके 11 हो गए, ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 12. सेम हियर 4 + 3 = 3, ये कितने हो गए 10 हो गए, यानी कि 9 से ऊपर 12 से नीचे. सिमिलरली हियर 3 + 5 = 2, ये कितने हो गए 10 हो गए, दैट इज 9 से ऊपर 12 से नीचे. तो ये दो क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन किया किसके बेसिस पे, बेस्ड अपॉन ऑल दी कैलकुलेशन दैट इज दी पोंडरल इंडेक्स एंड दी ट्रांसवर्स मेजरमेंट. ठीक है, अगर आपको ये पूरा का पूरा मेथड एज इट इज याद ना रहे तो एटलीस्ट आप ये याद रख लीजिएगा कि उन्होंने किन दो कैलकुलेशंस का यूज किया था और उन कैलकुलेशंस के बेसिस पे उन्होंने 7 पॉइंट क्राइटेरिया दिए थे, देन 76 सोमैटोटाइप में डिवाइड किया था जिसके अंदर उन्होंने 3 न्यूमेरिकल वाले आइडियाज को रिप्रेजेंट किया था. अब हम एंडोमॉर्फी की अगर बात करें, हम देखते हैं कि इनकी जो ये मेथड्स थी उसको ये एंडोमॉर्फी पे कैसे अप्लाई करते हैं. एंडोमॉर्फी के तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे पहले कि इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट राउंड होती है, हेड भी राउंड होता है, एब्डोमेन फ्लैट, आर्म एंड लेग्स आर वीक एंड फैटी, अपर आर्म्स एंड थाइज आर फैटी, रिस्ट एंड एंकल्स आर स्प्लेंडिडली बिल्ड एंड लेस लीनियरिटी एंड लेस मस्कुलैरिटी, मोर फैट डिस्पोजिशन. अब ये सोमैटोटाइप रेटिंग की हम बात करते हैं जिसकी बात इन्होंने यहाँ पे करी है. अब सोमैटोटाइप रेटिंग में इनको रेटिंग क्या दी है इन्होंने एंडोमॉर्फी को, 7-1-1. अब हमने क्या देखा कि ये जो पहला वाला है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पहला वाला इंडोमॉर्फी को रिप्रेजेंट करता है एज यू कैन सी हियर. ठीक है, इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट नंबर है वो इंडोमॉर्फी को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकंड नंबर है वो मेजोमॉर्फी को रिप्रेजेंट करेगा और जो थर्ड नंबर है वो एक्टोमॉर्फी को रिप्रेजेंट करेगा. यानी कि इसमें जो फर्स्ट नंबर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एंडोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी 7 है इस वाले सोमैटोटाइप में, दैट इज इटसेल्फ रेफर्ड टू एज एंडोमॉर्फी. यानी कि इसमें जो ट्रेट है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो ट्रेट है वो डोमिनेंटली एंडोमॉर्फी की है. 1 लीस्ट एक्सप्रेशन किसका है मेजोमॉर्फी का, देन अगेन 1 लीस्ट एक्सप्रेशन किसका है एक्टोमॉर्फी का. इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन पॉज द लेक्चर एंड जस्ट रेफर टू व्हाट आई जस्ट सेड. ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर इस तरह से. दूसरा मेजोमॉर्फी, ये वही सारे फीचर्स है तो आई एम नॉट जस्ट रिपीटिंग द फीचर्स फॉर यू, आप फीचर्स एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा. हम यहाँ सोमैटोटाइप रेटिंग देख लेते हैं बेस्ड अपॉन द मेथड. इसमें आप देखिए 1-7-1. 1 क्यों, क्योंकि इसमें एंडो की जो ट्रेट है वो बिल्कुल लीस्ट है, वहीं जो मेजो है उसकी पिक्युलियरिटी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, दैट इज़ वाई 7 जो एक्सप्रेशन 7 है वो सबसे ज़्यादा है, और 1 ऑफ द एक्टोमॉर्फी. राइट, उसी तरीके से आपके एक्टोमॉर्फी में सोमैटोटाइप रेटिंग अगर आप देखेंगे तो 1-1-7, अगेन आई एम जस्ट रेफरिंग फॉर योर क्लैरिटी एंडो मेजो एंड एक्टो. फर्स्ट नंबर एंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड नंबर मेजो को एंड थर्ड नंबर एक्टो को. तो इसी तरीके से इन्होंने ये सोमैटोटाइप रेटिंग करी और इसके बेसिस पे 76 सोमैटोटाइपिंग्स निकाले थे. आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी. एंड हियर इज द समराइजेशन, आप अगर ये समराइजेशन याद करना चाहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अगर ज़्यादा नंबर का आपको सवाल पूछा गया है तो उस बेसिस पे आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे. ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये चाहे आप क्रेशमर की बात करें चाहे आप शेल्डन मेथड की बात करें, कहीं ना कहीं इन स्टडीज़ को और इन क्लासिफिकेशंस को कैरेक्टर स्टडीज़ के लिए भी किया गया था. क्रिमिनोलॉजी के अंदर भी शेल्डन वाली स्टडीज़ को यूज़ किया गया था, बट उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स निकल के आए थे. राइट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर शेप ऑफ द बॉडी कैसे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकती है. ठीक है, कहाँ तक ये सही है कहाँ तक गलत है दैट इज़ अगेन डिबेटेबल टॉपिक, बट हाँ हमारे लिए ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं कि इनका शेप कैसा होता है, एक नॉर्मल आपको उनका जो पिक्चर है वो बनाना आना चाहिए और नाम इनके क्या है वो भी आप देख सकते हैं. ठीक है, देन कुछ क्रिटिसिजम्स भी हम देख लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो शेल्डन ने ये बोला कि सोमैटोटाइप चेंज नहीं होती है. ठीक है, बट द सोमैटोटाइप डज चेंजेस, बट ही मेंटेन दैट द सोमैटोटाइप डू नॉट चेंज थ्रू आउट बिकॉज इट डज नॉट चेंजेस सिग्निफिकेंटली
for any measurement except where the fat is deposited. So that was one of the criticisms. Then इन्होंने बोला कि somatotype जो है that is like the objective one, but actually somatotype is not objective as per the other physician and the psychiatrist that has studied this particular body form. तो उनके हिसाब से objective नहीं है. और इन्होंने आपने भी देखा कि जो इनका technique था, the method था जो इन्होंने utilize किया था, that was the photoscopic method, right? जिसमें इन्होंने काफ़ी objective criteria define किए थे. Then इन्होंने जो size वाला एक factor है वो पूरी तरह से ignore कर दिया था, omit कर दिया था, that can be said. Also, as I told you before, कि इन्होंने adult males को study किया था, he didn't study the female or the kids. And we all understand in the general perspective, जब आप देखेंगे males और females के bodily structure में, तो you will find the differences in the height or in the other body forms, right? So that is also one of the criticisms. और इन्होंने जो scales use किए थे, हमने देखा कि इन्होंने जो scaling करी थी, इसमें 1 to 7 तक इन्होंने scales define कर दिए, और ये भी बता दिया कि जो sum है, वो भी 9 to 12 होगा. तो ये भी काफ़ी एक आर्बिट्ररी मेथड्स था दैट वॉज काइंड ऑफ एंड रिजेक्टेड बाई दी अदर फिजिशियंस, राइट? तो दीज आर फ्यू क्रिटिसिजम्स दैट कैन बी रिटन इन द एग्जामिनेशन, राइट? Now we have seen the Kretschmer, the Sheldon method of somatotyping. Now we'll see what is the Parnell method of somatotyping. उसके बाद हम Heath and Carter method को देखेंगे. Heath and Carter method basically आपके जो criticisms थे, और you can say even Parnell also. Parnell और Heath and Carter method के अंदर जो भी Sheldon के methodologies के criticisms थे या जो भी shortcomings थे, उनको overcome करने के लिए और भी further studies की गई थी और classifications दिए गए थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द पैरेलल मेथड ऑफ सोमैटोटाइपिंग. सो पैरेलल मेथड ऑफ सोमैटोटाइपिंग को जाने से पहले वी नीड टू नो दैट हु वाज़ पैरेलल. तो ही वाज़ बेसिकली अ ब्रिटिश फिजिशियन, और इन्होंने काफ़ी जो डिफरेंट मेथडोलॉजीज थी फ्रॉम द शेल्डन वो अपनाई थी. इन्होंने फिजिकल एंथ्रोपोमेट्री के बेसिस पर अपनी क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है? और ये जो फिजिकल एंथ्रोपोमेट्री है, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसके अंदर आप ह्यूमन बॉडी के अलग अलग शेप, साइज, द रेंजेस एंड वेरियस अदर थिंग्स इज बीइंग स्टडीड. तो आई एम नॉट कवरिंग व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्री इन डिटेल आउट हियर, बिकॉज आई एम लीविंग इट टू यू. आप एक बार एंथ्रोपोमेट्रिक्स और एर्गोनॉमिक्स, इन दोनों के बारे में पढ़िए, और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसिएशंस है उसको देखें. इट विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोंट फर्गेट टू मेक अ नोट ऑफ दीज टू, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने, हमने तो ये देख लिया एंथ्रोपोमेट्री यूज़ की थी, और शेल्डन ने फोटोस्कोपिक मेथड यूज़ किया था, दैट वॉज हाईली ऑब्जेक्टिव. उन्होंने अपने तरीके बनाए थे, कुछ जो डिफाइन किए थे उन्होंने मेथड्स, वो अपने आप में काफ़ी ऑब्जेक्टिव थे, जिसकी वजह से उसके काफ़ी क्रिटिसिजम्स हुए थे. तो शेल्डन ने ऐसा क्या अलग किया? तो शेल्डन ने फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने यही देख लिया कि एंथ्रोपोमेट्री यूज़ करी थी, और इन्होंने ये भी बोला कि जो फोटोमेट्रिक मेथड होता है, दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. यू कैन अज्यूम 4,000 कॉलेज मैन का उन्होंने पिक्चर्स लिया होगा फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, देन ही कैलकुलेटेड वेरियस कैलकुलेशंस अपॉन इट, देन ही did the further things that he has supposed to do, right? तो ये काफ़ी time consuming method है in compare to what Parnell did. और दूसरा ये भी है कि अगर आपके जो Sheldon वाला method था, उसके अंदर किसी भी component को calculate करने में अगर mistake हो जाती है शुरुआत में ही, तो आपका पूरा का पूरा जो assessment है of the somatotype, that will go wrong, ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स दैट इज ओवरकम इन द पैरेलल मेथड. इन्होंने जो अपना मेथड दिया था इज नोन एज द पैरेलल M4 डिविएशन चार्ट मेथड, ठीक है? अब ये M4 डिविएशन चार्ट मेथड, अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे, तो देर विल बी लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स इनटू इट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आर लाइक एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है? इसीलिए मैं आपको उस मेथड के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं लेके जा रही हूँ, बट यू शुड नो कि इन्होंने पैरेलल M4 डिविएशन चार्ट मेथड दिया था. इन्होंने क्या क्या बेसिस पॉइंट लिए थे टू क्लासीफाई, वो हम देख लेते हैं. सो एज वी हैव सीन इन द शेल्डन, कि उन्होंने एंडो, मेजो एंड एक्टोमॉर्फ क्लासिफिकेशन किए थे, और इन बेसिस पे उन्होंने जो बॉडी फॉर्म्स थे उसके बारे में बताया था. पैरेलल ने फैट, मस्कुलैरिटी और लिनियरिटी, इन तीन बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशंस किए थे, राइट? सो बेसिकली इन्होंने जो एंथ्रोपोमेट्री यूज़ की थी, उस एंथ्रोपोमेट्री, बिकॉज एंथ्रोपोमेट्री एज वी नो कि इसके अंदर आप बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अलग अलग शेप, साइजेस, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं. तो इन्होंने किन किन चीज़ों को कंसीडर किया था, पैरेलल ने किन चीज़ों को कंसीडर किया था टू मेक द M4 डेविएशन चार्ट.
So basically, he considered the height, weight, and the measure of the muscles growth of the biceps and calves. I hope biceps or calves से आप मतलब समझ रहे होंगे, right? Then femoral and humeral epicaudal diameters. अब ये femoral और humeral epicaudal diameters क्या होते हैं? So जब आप femoral की बात करते हैं, तो femoral आपके thigh bones को बोलते हैं, and वहीं जो आपके humeral होते हैं, वो जो आपके limbs होते हैं, limbs के जो ये वाले bone हैं, they are known as the humerus. ठीक है? So, इस बोन को भी उन्होंने मेजर किया एंड स्किन फोल्ड की थिकनेस, तीन जगहों की बेसिकली स्किन फोल्ड थिकनेस, कहाँ कहाँ की, ट्राइसेप की, सब कैप्सुलर की और सुपरालिकस की. ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि इन्हीं तीनों थिकनेस को उन्होंने मेजर क्यों किया. तो बेसिकली जब आप बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में स्किन फोल्ड के थिकनेसेस की, तो मेजरली 7 ऐसे स्किन फोल्ड्स होते हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है, और इन्हीं 7 में से 3 पैरनल ने यूज़ किए थे. अब आप जैसे देख सकते हैं स्किन फोल्ड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, ऑल्दो दिस इज ऑफ अ मेल स्किन फोल्ड, लेकिन फीमेल्स में भी आपको अलग अलग स्किन फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, मोर और लेस सिमिलर टू दिस. देन जैसे आपको चेस्ट में देखने को मिलेगा, एब्डोमेन में देखने को मिलेगा, और जो यहाँ पे ये सुपरा लिलिकिस की बात कर रहे हैं, दिस वन, ये जो आपके लोअर एब्डोमेन है उस पोर्शन में, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो स्किन फोल्ड है जो यहाँ पे होता है, ये उसकी बात कर रहा है. देन ट्राइसेप्स तो यू मस्ट बी नोइंग, और वहीं जो अब आपके सब कैप्सुलर्स होते हैं, सब कैप्सुलर्स आपके जो हैंड वाला पोर्शन है, ये वाला जो ये फोल्ड बनता है, ये वाले फोल्ड की हम बात कर रहे हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दी सब कैप्सुलर. ठीक है, तो इन थिकनेसेस को इन्होंने यूज़ किया था. तो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि यू शुड विजुअलाइज ऑल दीज थिंग्स सो दैट एग्जामिनेशन में जब आपको रिकॉल करना हो तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. और अगर आप यही सारी चीज़ें डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप एक डायग्राम में इनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, दैट वुड बी गुड. अब इन्होंने क्या किया, ये जो सारी चीज़ें थी इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन इन्होंने कैसे किया, बिकॉज एज यू कैन सी कि इन्होंने डिविएशन चार्ट बनाया था, तो डिविएशन चार्ट बनाना इतना आसान नहीं होता, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इनटू इट, तो वी डिड नॉट टू गो ऑन टू दैट डिटेल. ठीक है, कि किस तरह से ये चार्ट इन्होंने बनाया था, एंड आई ट्राई टू फाइंड इट आउट द बेटर वर्जन ऑफ द चार्ट बट आई कुडंट. तो ये एक चार्ट का आप आउटलाइन देख सकते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग डिविएशन से अलग अलग जो कैलकुलेशंस थे वो किए, और उसके बेसिस पे जो ह्यूमन बॉडी के अलग अलग फॉर्म्स है उसको डिफाइन किया था, राइट. और इन्होंने बोला था दैट दिस मेथड ऑफ सोमैटोटाइपिंग एम्फसाइज द फीनोटाइप एंड नॉट द सोमैटोटाइप. देन अगर हम हीथ एंड कार्सर मेथड की बात करें, बिकॉज अभी तक हमने देख लिया शेल्डन वाला, देख लिया क्रिश्चमर, देख लिया हमने पैनल मेथड, हमने देख लिया, देन व्हाट इज द हीथ एंड कार्सर मेथड ऑफ सोमैटोटाइपिंग टॉक्स अबाउट. सो बेसिकली हीथ एंड कार्सर मेथड जो है ये आपके शेल्डन के मेथड के अंदर जो कोई भी लिमिटेशंस थे उसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने कुछ मेथडोलॉजीज अपनाए थे. अब ये क्या क्या थे, हमने शेल्डन के मेथड में देखा था कि उन्होंने एक 7-पॉइंट स्केल बताया था, राइट. तो इन्होंने जो ये 7-पॉइंट स्केल था, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि 7-पॉइंट स्केल रिसीव लॉट्स ऑफ क्रिटिसिजम्स क्योंकि वो काफ़ी आर्बिट्ररी मेथड था. तो इन्होंने इस 7-पॉइंट स्केल को रिप्लेस कर दिया, और कैसे रिप्लेस किया, तो इनके हिसाब से ऐसा कोई 1, 2, 3, 4 का आपका कोई स्केल नहीं हो सकता है. तो इन्होंने इस जो आप कह सकते हैं स्केलिंग पॉइंट था, इसको बोला दैट इट विल बिगिन विद 0 थियोरेटिकली, बट इन प्रैक्टिकल सेंस जब आप देखेंगे तो ये 1/2 से ही शुरू हो सकता है, मतलब हाफ से शुरू हो सकता है, लेकिन आपने ये जो 7-पॉइंट स्केल था इसमें ये 1 से शुरू हो रहा था, 1 वॉज द बिगिनिंग पॉइंट. और इसका एंड कहाँ पे होगा, तो देर वॉज नो एंड पॉइंट, और हमने ये 7-पॉइंट स्केल में देखा था दैट 7 वॉज द एंड पॉइंट, राइट. तो इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन थी 7-पॉइंट स्केल की, इसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया. देन ये जो सम वाला कॉम्पोनेंट था कि आपके जो भी सम्स आने चाहिए इंडो, मेजो और एक्टो के, ये 9 से बड़े और 12 से छोटे होने चाहिए जो शेल्डन ने बोला था, इन्होंने इस वाली चीज़ को भी रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया. एंड दे कंस्ट्रक्टेड द टेबल दैट प्रिजर्व्स अ लॉजिकल लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सोमैटोटाइप रेटिंग एंड द HWR. यानी कि अब जो इन्होंने सोमैटोटाइप रेटिंग निकाली, उसको आपके जो हाइट और वेट का रेशियो था उसके साथ एक लॉजिकल लीनियर रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश किया. अब अगेन मैं आपको ये बता दूं दैट यू नीड नॉट टू गो ऑन टू दैट डिटेल, बिकॉज हम अगर उस डिटेल में जाएंगे तो वो हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो वी नीड नॉट टू गो ऑन टू दैट, ठीक है. अदरवाइज आई कुड हैव टोल्ड यू, बट उसकी ज़रूरत नहीं है अभी. सो इन्होंने इस तरीके से एक लॉजिकल लीनियर टेबल बनाया, कैसे, सोमैटोटाइप रेटिंग को HWR के जो रेशियोज थे उससे कंपेयर करके, राइट.
and they adapted a single table of HWR and somatotype suitable for both sexes at all ages. हमने देखा था शेल्डन में ages की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने age को भी consider किया, right? और उसके basis पे इन्होंने एक standardized chart formation दिया. देन हेथन कार्टर ने कौन कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की थी. और वन थिंग मोर कि ये वाला जो मेथड है ऑफ द हेथन कार्टर, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टुडे, बिकॉज शेल्डन के भी कुछ अपने लिमिटेशंस रहे थे. बेसिकली द हेथन कार्टर मेथड हेल्प इन ओवरकमिंग दोज लिमिटेशंस, दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टुडे, राइट. और इन्होंने जैसे हमने पैनल के केस में देखा था कि वहाँ पे एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड यूज़ किया गया था, वहीं शेल्डन के केस में फोटोस्कोपिक मेथड यूज़ किया गया था. बट हेथ एंड कार्टर मेथड जो है, इट बेसिकली यूजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू अलोन एज वेल, राइट. सो एंथ्रोपोमेट्रिक भी यूज़ किया जाता है इसमें, फोटोस्कोपिक भी यूज़ किया जाता है, एंड एंथ्रोपोमेट्रिक अलोंग विथ फोटोस्कोपिक भी यूज़ किया जाता है. और एंथ्रोपोमेट्रिक यूज़ करने के दौरान वट आर द डिफरेंट मेजरमेंट दैट इज़ बींग टेकन टू कंसिडरेशन बाई दी हेथन कार्टर, बिकॉज हमने एंथ्रोपोमेट्रिक वाले केस में देखा था कि जब पैनल ने एंथ्रोपोमेट्रिक का यूज़ किया था तो उन्होंने कुछ सर्टन मेजरमेंट्स को यूटिलाइज किया था. और इन जनरल भी आपको अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, एंथ्रोपोमेट्री मेथड जहाँ कहीं भी यूज़ होता है तो आपके 10 एंथ्रोपोमेट्रिक डायमेंशंस होते हैं, राइट. इन्हीं डायमेंशंस को आप देखेंगे मोर और लेस जो भी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है. तो हेथन कार्टर कौन कौन से मेजरमेंट्स को यूज़ करता है, इट्स बीन रिटन आउट हियर. और इसमें आई जस्ट इंक्लूडेड दिस पिक्चर फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर, बिकॉज हमने ऑलरेडी स्किन फोल्ड्स तो देख लिया है. ये मैक्सिमल काल्फ सर्कमफेरेंस, काल्फ आप इस पोर्शन को कहते हैं जो आपका लेग का पोर्शन है, दैट इज दिस पोर्शन इज द मैक्सिमल काल्फ, ओके. तो इस सर्कमफेरेंस को भी यूज़ किया गया था. और इसी के बेसिस पे देर आर 13 कैटेगरीज और द कैटेगराइजेशन यू कैन से बेस्ड अपॉन दी हेथन कार्टर. और ये कौन कौन से थे, इन्होंने बेसिकली मेजो, एंडो और एक्टो, ये तो तीन ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस रखे, बट देर आर वेरियस सब क्लासिफिकेशंस ऑल्सो. सो इन टोटल देर आर 13 सच, राइट. और इन्होंने जो भी कैलकुलेशंस, जो भी मेजरमेंट किए उसको ग्राफिकली प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद जो भी कैलकुलेशंस, जो भी नंबर्स इनको इस ग्राफिकल चार्ट में जहाँ कहीं भी मिले उस बेसिस पे उन्होंने डिफाइन किया कि ये वाला जो बॉडी फॉर्म है इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. तो इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ कर्सरी लुक कि कौन कौन से थे, सेंट्रल बैलेंस्ड एंडोमॉर्फ, मेजोमॉर्फिक एंडोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. देयर इज नथिंग एज सच, दे आर लाइक वेरी लाइक वेल एक्सप्लेन्ड इन इटसेल्फ, राइट. जैसे बैलेंस्ड मेजोमॉर्फ की आप बात कर रहे हैं तो इसमें मेजोमॉर्फ डोमिनेंट होगा, एंडोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी इक्वल होगा, और डू नॉट डिफर बाई मोर देन वन हाफ यूनिट. जैसे कि हमने शेल्डन वाले एग्जाम्पल में भी देखा था कि अगर मान लीजिए ये कुछ रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का आ रहा है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, मेजोमॉर्फ, ठीक है, 7 वाला, और वहीं आपके इंडो और एक्टो जो है वो इक्वल है, 1 है 1 है. इट मे नॉट बी 7, इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज हमने देखा है कि हेथन कार्टर ने इस जो स्केलिंग थी उसको 7 तक लिमिट नहीं रखा है, इट कैन गो बियॉन्ड 7 एज वेल, राइट. बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ऑलरेडी हमने ये चीज़ें देखी रही हैं, तो इसीलिए उसी तरह से आप समझ सकते हैं. वहीं एक्टोमॉर्फ और मेजोमॉर्फ क्या हो सकता है, जिसमें मेजोमॉर्फ डोमिनेंट है और एक्टोमॉर्फ ग्रेटर है एंडोमॉर्फ के. अगेन आप कोई एक नंबर लेके जो हमने शेल्डन वाले में देखा था वही नंबर को हम यूज़ कर लेते हैं, 7 तक हम अपने आप को लिमिट अगर रखें तो. मेजोमॉर्फ डोमिनेंट है यानी कि मेजोमॉर्फ 7 हो सकता है, एक्टोमॉर्फ इज़ ग्रेटर देन एंडोमॉर्फ, और ये एक्टोमॉर्फ आपके इंडोमॉर्फ से ग्रेटर है तो मान लीजिए ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. माइंड इट, आई एम जस्ट टेकिंग अप द एग्जांपल, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू दैट यू कैन गेट, राइट. ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये जो नंबर्स है जिस तरीके के अभी दिख रहे हैं आपको ग्राफिकली प्लॉट करने के बाद हेथन कार्टर से भी कुछ ऐसे ही दिखेंगे. उसी तरह से मेजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, इसमें आपके मेजो और एक्टो दोनों इक्वल हो सकते हैं और एंडोमॉर्फी स्मॉलर होगा. तो मेजो और एक्टो अगर सिमिलर होंगे और एंडो अगर स्मॉलर होगा तो आप उस तरीके की कोई वैल्यू लेके देख सकते हैं. दीज आर लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, नॉट वेरी सिंपल एज इट सीम्स टू बी, तो इसीलिए उस डिटेल में हम नहीं जाते. सिमिलरली बाकी भी आगे वैसे ही हैं, आप इनको एटलीस्ट ये याद रखें, अगर आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से याद रख सकते हैं दैट वुड बी वेरी गुड. आई ऑल्सो सजेस्ट एग्जामिनेशन में आप इसी तरीके से ड्रॉ करें रादर देन जस्ट राइटिंग इट डाउन लाइक दैट, ओके. नाउ अब हम कुछ वैल्यू एडिशंस देख लेते हैं क्विकली. इन वैल्यू एडिशंस में आपके हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो आपके सोमैटोटाइप को इम्पैक्ट करते हैं.
तो एज हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है, आपके अलग अलग हैबिट्स हो सकते हैं, देन फिजिकल परफॉर्मेंस, एटीट्यूड, ऑक्यूपेशन और जेनेटिक फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हो सकती है दैट कैन अफेक्ट दी सोमैटोटाइप. अगेन इसको आप अगर क्वेश्चन बाई चांस पूछ लिया जाता है या क्वेश्चन के सब फॉर्म में पूछ लिया जाता है तो आप थोड़ा बहुत इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. ठीक है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट एवरीथिंग आउट देयर बिकॉज आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ फूड फॉर थॉट. ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये देख लीजिए कि इशू क्या है सोमैटोटाइप की स्टडीज़ क्रिमिनोलॉजी में, इसे क्यों स्टडी करने में प्रॉब्लम आ सकती है, सोमैटोटाइप को स्टडी करने में प्रॉब्लम आ सकती है. सो इसके अपने जो सोमैटोटाइप्स है इसके कुछ लिमिटेशंस है. सोमैटोटाइप्स क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं हमने देखा कि सोमैटोटाइप को पर्सनैलिटी के स्टडी के लिए भी यूज़ किया गया, बट दैट कैन नॉट बी नेसेसरी. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक फैटी चबी इंसान विल बी ऑलवेज वेरी ह्यूमरस और एक उसका चबी सा स्वभाव हो और काफ़ी अलग सा, मतलब जो हम स्टीरियोटाइप करते हैं उस तरीके के उसके नेचर हो, इट मे नॉट बी वेरी ट्रू, राइट. उसी तरीके से अगर आप किसी क्रिमिनल को उसके बॉडी फॉर्म के ऊपर अगर आप जज करना चाहें तो दैट मे नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया टू डू सो, राइट. सो that is one of the important limitations that you can say. Then it has been noted that the Sheldon method of somatotyping was very time consuming and expensive. Suppose agar hum Sheldon ke somatotype method ko use karne jaye in the criminology itself aur agar ye kafi time consuming hai, bahut time laga deta hai, 3-4 महीने जैसे आपको डेटा गैदरिंग में लग जाते हैं और आप सारे पिक्चर्स एनालाइज करेंगे, तो क्या 3-4 महीने तक जस्टिस तो वैसे ही डिलेड हो रहा है? अगर आप इस मेथड को यूज़ करके उस जस्टिस वाले सिस्टम में एप्लीकेबल लगाएं तो इट विल बी अगेन वेरी अनफेयर, राइट. ऑल्दो आप इंडिया के सिस्टम की बात छोड़ दीजिए कि टाइम लग जाता है, ये होती है वो होती है, बट इन प्रैक्टिकल सेंस अगर आपको न्याय जल्दी चाहिए और आपको चोर को जल्दी से पकड़ना है तो यू जस्ट कैनॉट वेट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. तो इसीलिए ये कुछ लिमिटेशंस हैं इन क्रिमिनोलॉजी ऑफ व्हाट ऑफ द सोमैटोटाइप, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं. ऑल्सो जो तरीका था दैट यू नीड टू एनालाइज द सब्जेक्ट्स नेकेड, सो दैट मे नॉट बी पॉसिबल एवरी टाइम, राइट. बहुत सारे इसके अलग अलग इश्यूज हैं, सो दोज आर लाइक अगेन सम ऑफ द ड्रॉबैक्स. तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो. ठीक है, मोर वैल्यूएशन कैन बी द रिलेशनशिप बिटवीन द सोमैटोटाइप एंड द मेटाबॉलिज्म. सो हमने ब्रॉडली जो कैटेगराइजेशंस देखी हैं दैट इज़ द एक्टो, मेजो एंड एंडो. सो हमने पहले भी देखा था, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर ऑल्सो, कि क्यों ये बॉडी फॉर्म सोमैटोटाइपिंग इंपॉर्टेंट है. मोस्टली जो डाइटिशियंस होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं ऑफ द एथलीट, दे कंसीडर ऑल दीज फैक्टर्स. जब आपने स्कूल में अगर फिजिकल एजुकेशन पढ़ी होगी तो फिजिकल एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं सोमैटोटाइप के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र था, राइट. ऑल राइट, बट हम पढ़ते नहीं थे उसे उतना ज़्यादा, बट स्टिल इट वॉज देयर, राइट. सो दिस सोमैटोटाइपिंग इज वेरी मच नेसेसरी टू डिफाइन लाइक वट काइंड ऑफ ए न्यूट्रिशन यू कैन टेक, वट काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज यू शुड डू टू अचीव द डिजायर्ड बॉडी फॉर्म. क्यों होता है ऐसा? सी एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आर मेटाबॉलिज्म. क्योंकि कुछ लोगों को आपने देखा होगा दैट दे कीप ऑन ईटिंग बट दे डोंट इवन गेन वेट. कुछ ऐसे होते हैं दैट दे गेन वेट वेरी ईजिली. ऑल्दो देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो कि आपकी आप जो खाना खा रहे हैं वो किस टाइप का है, कहीं आप जंक 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 ही खा रहे हो, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इवन दो अगर आप वेट गेन नहीं करोगे देर विल बी वेरियस अदर रेपरकशंस टू इट, राइट. बट हम इन जनरल की अगर बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा कि वो तो मोटे ही नहीं हो रहे, राइट. तो वो इसलिए होता है बिकॉज उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती है, हाई मेटाबॉलिज्म होता है, और ऐसे टाइप के लोग आपको जनरली एक्टोमॉर्फ में देखने को मिलेंगे, ठीक है. वहीं जो मेजोमॉर्फ होते हैं इनका मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी अच्छा होता है, बहुत हाई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है बट इफ़िशेंट होता है, सही होता है. वहीं जो आपके एंडोमॉर्फ वाले होते हैं इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत स्लोअर होता है, दैट इज़ वाई इनमें आपको फैट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा. वहीं हमने देखा मेजो में आपको यहाँ पे फैट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, मसल कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगी. लेकिन एक्टो के केस में क्या होता है, इनके पास ना तो फैट होता है और ना ही मसल्स होते हैं, राइट. तो हमने ये देख लिया किस में किस टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है. अब ये मेटाबॉलिज्म क्या करता है, सो आप यहाँ पे देखिए कि जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं इसमें स्लो मेटाबॉलिज्म होने की वजह से जो आपका फैट एक्यूमुलेशन है वो होता चला जाता है, राइट. एंड हिज बॉडी इज जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, फैट्स एंड प्रोटीन, एंड देयरफॉर इजिली डेवलप मसल मास बट एज इजिली गेट फैट एंड स्ट्रगल्स टू लूज वेट एंड इज बॉट टू बियर हाई वॉल्यूम ऑफ वर्क एंड देन लॉन्ग ट्रेनिंग बट फेल्स टू अचीव
हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। जो एंडोमॉर्फ्स के लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है, इनमें फैट डिस्पोजिशन भी होता है और जो एक्सरसाइज का असर है उनमें देखने में उनको काफ़ी आपको टाइम भी लग सकता है, ठीक है, वो इतनी जल्दी फैट लूज नहीं करते हैं, इवन दो दे ट्राई हार्ड दे आर नॉट बीइंग एबल टू लूज दैट। वहीं जो आपके मेसोमॉर्फ वाले होते हैं जिनका इफ़िशेंट मेटाबॉलिज्म होता है, इनके लिए अपना जो फैट लूज करना है वो काफ़ी आसान रहता है और इनमें आपको हाई हाइपरट्रॉफिक एबिलिटीज़ भी देखने को मिलेगी, जो इनके मसल्स हैं आपको काफ़ी बिल्डअप देखने को मिलेंगे, जैसे आपने पिक्चर्स में देखा होगा इन दी मस्कुलर बिल्ट पिक्चर्स, उसमें आप देखने को आपको मिल जाएगा कि दे हैव सच अ हाई मस्कुलैरिटीज, राइट। अगर आप इंडोमॉर्फ को इमेजिन करना साथ चाहते हैं तो आप सूमोज को इमेजिन कर सकते हैं, दैट सूमोज आर काइंड ऑफ एन इंडोमॉर्फ ओनली, राइट। उनकी बॉडी काफ़ी आपको फैट एक्यूमुलेटेड दिखेगी, काफ़ी हैवी बॉडी होती है, इवन दो दे ट्राई हार्ड दे आर नॉट बीइंग एबल टू लूज वेट, राइट। और मेसोमॉर्फ में आप किसी भी एथलीट जो काफ़ी फिट है उसको इमेजिन कर सकते हैं, यू आर लाइक डन। देन वहीं एक्टो वाले जो लोग होते हैं, एक्टो में आपको बहुत ज़्यादा हाई मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, जिस वजह से अगेन ये वर्कआउट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग्स है उनको बियर कर पाए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो दैट इज़ वाई दे आर नॉट बीइंग एबल टू डेवलप दी मसल एंड नीदर एबल टू स्टोर दी फैट, बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म उसको अलाउ नहीं करता है, राइट। सो एनालाइजिंग ऑल दीज डिस्क्रिप्शन इट इज ईजी टू गेस दैट द अप्रोच टू द ट्रेनिंग एंड द न्यूट्रिशन मस्ट बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द सोमैटोटाइप। तो सी द क्वेश्चन कैन बी द अदर वे अराउंड, आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग या न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो यू कैन एक्सप्लेन यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू, सो कीप दिस थिंग। जो हमारे टॉपिक 10 है ऑफ द सिलेबस, इसमें जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द मेथडोलॉजीज फॉर द ग्रोथ स्टडीज, हम इसको देख लेते हैं। सो बिफोर वी मूव ऑन टू मेथडोलॉजीज ऑफ ग्रोथ स्टडीज के अंदर क्या क्या है, हमें पहले ये जानना होगा दैट वट इज़ ग्रोथ स्टडी, लाइक वाई वी आर डूइंग द ग्रोथ स्टडी। सो ग्रोथ स्टडी बेसिकली इट्स नथिंग बट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग लाइक हाउ वी ग्रो बायोलॉजिकली, राइट। एज वी ऑल नो दैट वी ग्रो फ्रॉम दिस टू दिस, हम धीरे धीरे बड़े होते हैं एंड एट सर्टन स्टेजेस ऑफ लाइफ यू एक्वायर सर्टन स्किल। जैसे ये माना जाता है कि बच्चा अगर 3 साल से 5 साल के बीच का होता है तो उसे ये चीज़ें आनी चाहिए, अल्फ़ाबेट्स वो पहचान जाना चाहिए, उसे बोलना आना चाहिए, देयर आर सर्टन राइम्स दैट चाइल्ड शुड नो, ये एक सर्टन सोशल नॉर्म्स है, आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स हैं, नॉट नॉर्म्स, सोशल स्टैंडर्ड्स है, हम ऐसा देखते हैं कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं एंड वी डू एक्सपेक्ट कि इस स्टेजेस पे ऐसा होना चाहिए। बच्चा अगर आपके एक सर्टन स्टेज पे चलना चाहिए या सर्टन स्टेजेस पे उसके बोलना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम एज्यूम करके चलते हैं। व्हाई वी हैव एज्यूम दिस, बिकॉज वी नो कि एक बायोलॉजिकल स्टेजेस में, ह्यूमन के बायोलॉजिकल स्टेज में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ें होती ही हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाई दीज ग्रोथ स्टडीज आर डन, टू अंडरस्टैंड the various growth processes in the human being। और ये जो growth studies होती है कैसे की जाती है, इसमें अलग अलग techniques होते हैं, observations होते हैं, tests होते हैं to understand the human growth। also इसकी importance इसलिए भी बढ़ जाती है because जब आपके जो normal variations होते हैं उसमें अगर कोई deviation आता है, suppose a person at 18 year of age should behave like mentally or physically, हम दोनों की बात कर रहे हैं, at the age of 18 years उसे इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, बट इफ द पर्सन इज डिविएटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिहेवियर देन यू कैन से देर इज सर्टन काइंड ऑफ एन एबनॉर्मलिटी। मतलब आप 18 साल का जो लड़का या लड़की है आप एक्सपेक्ट कर रहे थे दे शुड बिहेव मेच्योरली, वो डिसीजन मेकिंग इस तरीके का होना चाहिए, बट आप देख रहे हैं वो अभी भी एक 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, देन यू नो देर इज समथिंग रॉन्ग विद इट एंड यू नीड टू अप्रोच द डॉक्टर टू चेक फॉर द एबनॉर्मलिटी, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दैट हेल्प्स यू इन लाइक गिविंग यू अ स्टार्टिंग पॉइंट और गिविंग यू अ स्टैंडर्ड पॉइंट कि आपको यहाँ से चीज़ों को जज करना है या यहाँ से चीज़ों को आपको देखना है। देन ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, अगर आप मान लीजिए कि किसी की कलाई टूट गई है, ठीक है, और अगर किसी डॉक्टर को उस कलाई को जोड़ना है तो डॉक्टर शुड हैव एन आइडिया, डॉक्टर ने ज़रूर जब अपनी पढ़ाई की होगी उन्होंने देखा होगा दैट हाउ द पर्सन हैंड्स लुक लाइक, हैंड बोन्स किस तरह से जॉइंट होते हैं, कहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है, अगर उन्होंने इसको यहाँ से जॉइन करना है इसकी बजाय अगर इसे यहाँ से जॉइन कर लिया देयर विल बी प्रॉब्लम, राइट, द पर्सन विल नॉट बी एबल टू मूव द हैंड्स द वे इट शुड बी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो कि किस तरीके की ग्रोथ होती है और कैसे कैसे ह्यूमन के एज के साथ
उसके जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स है वो भी ग्रो करते हैं, उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ वाई द ग्रोथ स्टडीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टू इट. ठीक है, नाउ जब हम ग्रोथ स्टडीज की बात कर रहे हैं तो हम मेथडोलॉजीज के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं ग्रोथ स्टडीज को करने के लिए. सो बेसिकली अलग अलग अप्रोचेस होते हैं. अब आप बोलेंगे आप तो मेथड्स की बात कर रही थी, यहाँ अप्रोचेस कहाँ से आ गए? सो लेट मी एक्सप्लेन. सो अलग अलग मेजरमेंट अप्रोचेस क्या हो सकते हैं? कार्डियोमेट्री हो सकती है, एंथ्रोपोमेट्री होती है, सेफलोमेट्रिक रेडियोग्राफी होती है. ये क्या है? ये वो मेजरमेंट अप्रोचेस है जिससे आप ग्रोथ को स्टडी कर सकते हो. लेकिन हमें पढ़ना क्या है? हमें तो मेथडोलॉजीज ऑफ ग्रोथ स्टडीज पढ़नी है. यानी कि अगर आप क्रेनियोमेट्री पढ़ते हैं, क्रेनियोमेट्री यानी कि जो ह्यूमन स्कल है, अगर आप उसकी स्टडी करते हैं, देन यू कैन से ना कि आपने देखा होगा कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, दे कैन टेल कि ये 3 साल के बच्चे का स्कल था, या ये 30 साल के जो मेन है उसका स्कल था, या 30 साल की वुमेन है उसका स्कल था, या 25 साल की वुमेन है उसका स्कल था. तो ये सारी चीज़ें वो कैसे बता पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ द क्रेनियोमेट्री वो स्कल को स्टडी करते हैं, बेस्ड अपॉन दैट दे आर बीइंग एबल टू गिव अस दैट कंक्लूजन, राइट? लेकिन ये क्रेनियोमेट्री तो एक ब्रॉडर स्टडिंग टेक्निक हो गई, लेकिन इसको करने के लिए कुछ मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं. अगर कोई एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी करके बताया कि ये 3 साल के बच्चे का स्कल है और ये एक 15 साल के बच्चे का स्कल है, दैट मीन्स दे हैड सम आइडिया कि 15 साल के बच्चे का स्कल कैसा दिखता है और 3 साल के बच्चे का स्कल कैसा दिखता है, राइट? और उसके लिए अलग अलग वो तरीके यूज़ करते हैं. सो इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल वर्ड बाई गिविंग एन एग्जाम्पल, तो सपोज अगर आप अपने घर में कुछ पौधे आपने लगाए हैं और उन पौधों को आपने एक साथ एक ही दिन प्लांट किया है, एंड यू आर ऑब्जर्विंग द ग्रोथ ऑफ दोज प्लांट्स, देन व्हाट यू विल सी? यू विल सी द हाइट ऑफ द प्लांट, कि किस तरह से प्लांट्स की हाइट बढ़ रही है. हो सकता है आपने अगर 10 पौधे लगाए, यू माइट कंपेयर ऑल्सो कि अच्छा ये पौधा तो जल्दी ग्रो कर रहा है, ये तो इसके कंपेयर में धीरे ग्रो कर रहा है, आप ऐसे देख सकते हो, राइट? तो ये हो गई आपके मेथड्स कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो. लेकिन अगर आप उसको उसके अप्रोचेस की बात करो कि वो कैसे बढ़ रहा है, वो मे बी आपके क्रेनोमेट्री के अंदर आएगा, ठीक है, जिसके अंदर और भी बहुत कॉम्प्लेक्स स्टडीज इन्वॉल्व हो सकती हैं. लेकिन जो सिंपली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, जो मेथड आप अपना रहे हो, दैट इज सीइंग एंड ऑब्जर्विंग, इज नथिंग बट गिविंग यू एन आइडिया कि ग्रोथ किसकी कम किसकी ज़्यादा हो रही है. अब किसके स्टेम की ग्रोथ कैसे हो रही है, किसके रूट्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप नहीं देख सकते हो, राइट? तो इस तरह से आपको समझने की ज़रूरत है. सो क्रेनोमेट्री के अंदर क्रॉस सेक्शनल स्टडी यूज़ की जाती है, वहीं एंथ्रोपोमेट्री में क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही यूज़ किया जाता है, वहीं आपके सेफलोमेट्रिक रेडियोग्राफी में भी क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल यूज़ किया जाता है. तो आर पर्पस इज टू स्टडी इन दिस मेथडोलॉजीज ऑफ ग्रोथ स्टडी इज नॉट दिस एंड नॉट दिस बट दिस दिस एंड दिस, यानी कि हम क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल और इसके साथ दोनों का एक कॉम्बिनेशन आगे देखने वाले हैं, ठीक है? सो दीज आर द मेथडोलॉजीज दैट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ. सो अगर सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात करें, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी बेसिकली क्या करती है? सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये करती है कि एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक पॉपुलेशन सेलेक्ट करती है, इस पॉपुलेशन से ये एक सैंपल कलेक्ट करती है, और उस सैंपल को वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपेयर करके स्टडी करती है, एज सिंपल एज इट इज, राइट? यानी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आपको क्या चीज याद रखनी है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही स्टडी करती है, और ये कुछ अलग अलग चीजों को कंपेयर करती है. यानी कि ये एक लार्जर पॉपुलेशन है, मान लीजिए इस लार्जर पॉपुलेशन में आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया. अब इस सैंपल में आप कंपेयर करके देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम और कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉपुलेशन 1 हो गया, पॉपुलेशन 2 हो गया, पॉपुलेशन 3 हो गया, ये पॉपुलेशन 4 हो गया. अब इन सभी को कंपेयर करके देखेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है? देन आपके इसके कुछ मेरिट्स होंगे और कुछ डिमेरिट्स भी होंगे. हम मेरिट्स और डिमेरिट्स बाद में देख लेंगे, पहले हम आपको लॉन्गिट्यूडिनल के बारे में बता देते हैं. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो होती है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होती, ये स्प्रेड अक्रॉस ईयर्स होती है. यानी कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन पी है, तो इसको मान लीजिए आज ईयर 1 पर स्टडी किया गया, फिर कुछ सालों बाद ईयर 2 पर भी इसको स्टडी किया जाएगा, द सेम पर्सन, राइट? यानी कि ये सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये स्प्रेड अक्रॉस है. लेकिन जो स्टडी करने वाला पर्सन है, दैट रिमेन्स द सेम, दैट मीन्स सब्जेक्ट रिमेन्स द सेम. सो दिस इज द
broader difference in between the longitudinal and the cross sectional study. और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो cross sectional study होती है इसमें mostly जो आप क्वांटिटेटिव चीज़ें हैं इनको कंपेयर करना आसान हो जाता है. अगर मान लीजिए आप हाइट को कंपेयर कर रहे हो कि एक सर्टेन एज में क्या क्या हाइट हो सकती हैं, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव. वहीं जो आपके लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं इसमें मोस्टली क्वालिटेटिव चीज़ों को आप कंपेयर करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये पर्सन पी है और इस पर्सन पी के अगर आपको आईक्यू को चेक करना हो और वो ईयर वन मान लीजिए आज के डेट में 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो 2021 में जो उसका आईक्यू लेवल है 2030 तक हो सकता है उस आईक्यू लेवल में बहुत ड्रास्टिक चेंज आए. सो दैट कैन बी स्टडीड अंडर द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एंड दिस इज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू. और इनके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं कि ये चीपर हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं. जैसे मैं क्रॉस सेक्शनल की बात करूँ तो ये चीपर होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आपको उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करना होता है, आपको बहुत ज़्यादा स्प्रेड अक्रॉस नहीं होता है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरिट्स और डिमेरिट्स, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, इट्स वेरी वेल रिटन आउट हियर, आप इसको अपने नोट्स में उतार सकते हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है. और एट दी एंड मैंने समराइज भी कर दिया है द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑल दी स्टडीज. वहीं लॉन्गिट्यूडनल के भी आपके मेरिट्स और डिमेरिट्स ये लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा. एंड दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. क्रॉस सेक्शनल स्टडी किस तरीके से होती है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी किस तरीके से होती है. यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप को आप सेम टाइम पर कंपेयर करते हैं, वहीं आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में सेम ग्रुप को अलग अलग टाइम पे कंपेयर. देन एट द एंड दिस इज योर क्रॉस सिक्वेंशियल स्टडीज. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द एमलगमेशन ऑफ बोथ द क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल. यानी कि डिपेंडिंग अपॉन कि रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, इसके अंदर आप कुछ लोगों को क्रॉस सेक्शनल के अंदर स्टडी करते हैं एंड कुछ लोगों को लॉन्गिट्यूडनल मेथड के अंदर स्टडी करते हैं. बिकॉज हमने पहले भी देखा था कि जो आपके क्रॉस सेक्शनल है ये आपको क्वान्टिटेटिव चेंजेस दिखाने में मदद करती है, और वहीं लॉन्गिट्यूडनल जो है वो आपको क्वालिटेटिव चेंजेस के बारे में अच्छे से बताती है. सो बेसिकली टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ बोथ ऑफ इट, क्रॉस सिक्वेंशियल स्टडीज भी यूज की जा सकती हैं, राइट. एंड एज आई टोल्ड यू देयर इज अ समराइजेशन ऑफ ऑल दी स्टडीज. अगर आपको उतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है तो आप यहाँ से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ले सकते हैं, बिकॉज दैट वुड बी एनफ आई गेस. बट फॉर दोज ऑफ यू हु वांटेड टू हैव अ इन डेप्थ लाइक राइटिंग, दे कैन रेफर टू द प्रीवियस वन दैट वी हैव मेंशनड, ठीक है. तो इसी के साथ we have completed the entire topic 10. I will be coming up with the next lecture for 11.1. thank you so much.